साल 2023 अपने अंतिम पड़ाव की ओर है और आज 1 दिसंबर है, यानी कि आज जो है आखिरी महीने की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे ही महीने की शुरुआत होती है कुछ नियम व कानून बदले जाते हैं, कुछ राहत मिलती है आपको सरकार की तरफ से। और आपको बता दें कि 1 दिसंबर से सिम कार्ड को लेकर नियम भी बदले गए हैं, यूपीआई आईडी को लेकर भी बदले गए हैं, व अन्य कौन कौन से नियम हैं जिसका असर सीधा आपकी जेब वह जिंदगी पर पड़ेगा, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। 1 दिसंबर 2023 से देश में सिम कार्ड को खरीदने और बेचने से जुड़े नए नियम लागू हो रहे हैं। पहले होता था कि एक व्यक्ति एक आईडी कार्ड पर कई सिम कार्ड जो है वो खरीद लेता था, लेकिन अब 1 दिसंबर से एक आईडी पर लिमिटेड संख्या में ही सिम कार्ड खरीदने की अनुमति रहेगी। साथ ही सिम कार्ड बेचने वालों को रजिस्ट्रेशन कराने और सिस्टम में शामिल होने से पहले केवाईसी प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इनएक्टिव यूपीआई आईडी बंद होगी। पेमेंट रेगुलेटरी एनपीसीआई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स से कहा कि वे ऐसी यूपीआई आईडीज को डीएक्टिवेट करें जिन्होंने एक साल से अपनी आईडी से कोई ट्रांजैक्शन यानी कि पैसों का लेन देन नहीं किया है। 31 दिसंबर तक ऐसी इनएक्टिव कस्टमर्स को यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऐसी आईडीज पर इनवर्ट ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा यानी फंड नहीं आ पाएगा, लेकिन पेमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। पेंशन बंद होगी। पेंशनर्स के पास 30 नवंबर तक का टाइम है अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। अगर वो अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन रुक जाएगी, ये सरकार का कहना है। लेकिन वो अगले साल अक्टूबर के पहले अपना सर्टिफिकेट अगर जमा कर लेते हैं तो उनकी पेंशन जो है दोबारा शुरू कर दी जाएगी। एचडीएफसी बैंक पर नए नियम लागू हो गए हैं। प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने अपनी रगालिया क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। इसमें लाउंस एक्सेस के लिए खर्चों की लिमिट बढ़ाई गई है। अब लाउंस एक्सेस करने के लिए यूजर्स को एक तिमाही में कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे और वाउचर क्लेम करने के लिए यूजर को स्मार्ट बाई पे लाउंस बेनिफिट पर जाकर क्लेम डालना होगा। साथ ही ये शर्त भी रखी गई है कि वो एक तिमाही में 2 बार ही लाउंस बेनिफिट ले सकते हैं। इस पर 2 रुपए की ट्रांजेक्शन फीस भी लगने वाली है। डीमैट नॉमिनेशन। डीमैट अकाउंट रखने वालों के लिए दिसंबर का महीना आखिरी मौका होगा जब वो अपना डीमैट नॉमिनेशन कराने का काम जो है वो पूरा करेंगे। 31 दिसंबर 2023 तक नॉमिनेशन कराना जरूरी माना जा रहा है। इसके लिए आप पैन कार्ड, नॉमिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, बैंक डिटेल, सिग्नेचर आदि जो है वो जमा करने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। ऐसा नहीं करने पर फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में किसाह के बदलाव होंगे। हर महीने की 1 तारीख को देश में कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाता है। पिछले कुछ महीनों से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें तो स्थिर नहीं है, वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर पर नवंबर में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस महीने ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्या फैसला लेती हैं गैस सिलेंडर के लिहाज से और उस पर महंगाई पर कितना असर पड़ने वाला है।